नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कोने मिर्च मसाला लगाएले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है तो इहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए तुरंत कमेंट करी। संसद के शीतकालीन सत्र आजू से शुरू हो रहल बा। सत्र शुरू होखे से पहले पीएम मोदी संसद परिसर में मीडिया के संबोधित करत कहले कि शीतकालीन सत्र में माहौल ठंडा रही। विपक्ष, खास तौर पे कांग्रेस पे निशाना साधत पीएम मोदी बिना नाम लिहले कहले कि जेकरा के देश ठुकरा देले बा उ संसद के बाधित करे के कोशिश करता रे। मोदी कहले कि संसद में बेहतर चर्चा होखे के चाही, संसद में अधिका से अधिका लोग के योगदान होखे के चाही। दुर्भाग्य से अपना राजनीतिक हित खातिर कुछ लोग जेकरा के जनता खारिज कर दिहले बा संसद में हंगामा मचा रहल बा। पीएम मोदी कहले कि ऐसन लोग लगातार संसद पर नियंत्रण राखे के कोशिश में लागल बाड़े, संसद के गतिविधि के रोके में ऊ लोग सफल नहीं खे, उनकर आपन उद्देश्य बा देश के जनता ओह लोग के सगरी व्यवहार के देखे ले, आज अब समय आवेला तो सजा भी देला। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लेखे अतना बवाल मचल कि लखनऊ पहुंच गई, तुरंत शीर्ष अधिकारी के मौका पर भेज दिहल गई। खुद डीजीपी ए हालात पर नजर रखले बाड़न। रविवार के दोपहरिया में जब माहौल शांत हो गई तब पुलिस फ्लैग मार्च शुरू कर देलस। पीएसी के संगे संगे आरआरएफ अवूरी आरएएफ के कंपनी के भी शहर में तैनात कईल गई। हालांकि तब तक तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी, अवूरी गोलीबारी में 4 लोग के जान चल गई रहे। वर्तमान में इलाका में जबरदस्त तनाव बा। इंटरनेट के संगे संगे स्कूल कॉलेज भी बंद बा। बता दी कि काल्हू संभल शहर के शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण का दौरान हंगामा भइल। जामा मस्जिद के पीछे पुलिस पर बदमाश पथराव कैले, सड़क के किनारे खड़ा गाड़ी में आग लगा देले, जवना के चलते गाड़ी अवूरी बाइक जरा के राख हो गई। हालात ऐसन रहे कि सड़क पर ईंट, पत्थर आ चप्पल के ढेर लागल रहे। बाद में ओह के हटावे खातिर नगर निगम के टीम के तैनाती करे के पड़ल। नगर पालिका के कर्मचारी कई गो ट्रैक्टर में एह ईंट, पत्थर, चप्पल भर के सड़क साफ करवले। संघी जेसीबी के मदद से जरल गाड़ी के सड़क से निकाल गईल। ए साल लोकसभा चुनाव में जीत के ठीक बाद जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर कहले रहले कि ऊ अल्पसंख्यक खाती कवनो काम ना करी है, एकर कारण बा कि ऊ लोग वोट ना देले। केंद्रीय मंत्री अवूरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहल राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी रविवार के जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में यह बात दोहरवले। लंगट सिंह कॉलेज के मैदान में पार्टी कार्यकर्ता के संबोधित करत केंद्रीय मंत्री कहले कि कवनो गलत फहमी में मत रही, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नीतीश कुमार के वोट ना देवेला। ललन सिंह कहले कि अल्पसंख्यक समुदाय के नेता अभी भी भाषण देत रहले, सालन पहले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग के हालत का रहे, मदरसा में शिक्षक 3-4 हजार रुपया में काम करत रहले, आज उनका 7वां वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह मिल रहल बा, बेहतर जीवन जी रहल बानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में अयला का बाद से ई सब सुधर गईल बा, बाकी आजुओ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नीतीश कुमार के वोट ना देला। पहाड़ पर बर्फबारी के चलते बिहार में ठंड बढ़ गईल बा। रात के तापमान अब 10 डिग्री से नीचे गिर गईल बा। एह सीजन के सबसे कम न्यूनतम तापमान इतवार का दिने 1 अंक में दर्ज भील। पूरा बिहार के तापमान में लगातार गिरावट आ रहल बा। पटना स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी इलाका में आजकल बर्फबारी होकता। एह इलाकन से होके आवे वाली सर्द पछुआ हवा के चलते बिहार के तापमान में बहुत गिरावट दर्ज भइल। आजू से शुरू होके एह हफ्ता में ठंडा बढ़े के संभावना बा। एही से लोग के ठंड से बचे खातिर उचित इंतजाम करे के सलाह दिहल गईल बा। चुनाव रणनीतिकार से जन सुराज पार्टी के नेता बनले प्रशांत किशोर अमेरिका में बिहारी आप्रवासी लोग से बात कईले। उ बिहार के हालात पर चिंता जतवले, अवूरी 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना पार्टी खाती जीत के दावा कईले। पीके एकरा से मिले वाला आमदनी के इस्तेमाल, शराबबंदी हटाने, अवूरी शिक्षा में सुधार खाती करे के वादा कईले। एह दौरान उ बिहार के पिछड़ल राज्य बतवले अवूरी एकरा विकास खाती बड़ प्रयास के जरूरत पर जोर देले। प्रशांत किशोर,
अमेरिका में बिहारी अप्रवासी लोग के संगे ऑनलाइन इंटरेक्टिव सत्र में जन सुराज पार्टी के अमेरिकन चैप्टर के शुरुआत कैले। एह दौरान उ बिहार के वर्तमान स्थिति पर खुल के आपन बात रखले। उ बिहार के वास्तव में पिछड़ल राज्य बतवले, जवन की बहुत समस्या से जूझ रहल बा। पीके कहले कि बिहार के चौतरफा विकास खाती बड़ पैमाना पर प्रयास के जरूरत बा। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई, काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। देखत रही हमार बुलेटिन।